नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मंबो जंबो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रैपुंज़ेल, जो आइसक्रीम लेके घर वापस जा रहे हैं, वो दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं। तभी मो को बैंगनी रंग की एक सब्जी गार्डन में कहीं दिखती है। सब्जी की तरफ इशारा करते हुए, अरे वो देखो, क्या वो बंद गोभी है? नहीं, बंद गोभी ऐसी नहीं दिखती है, ये कुछ और है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मैं इसको पहली बार देख रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो इसका रंग बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो आओ चल के पता करते हैं। वो बंद गोभी को निकालना चाहता है, लेकिन वो जड़ से उखड़ जाती है, और जैसे ही वो ये करता है, जमीन में एक गड्ढा हो जाता है और वो दोनों उसमें गिर जाते हैं। फिर वो एक बहुत ही पुराने समय के गांव में पहुंच जाते हैं। क्या किया तुमने? हम कहां आ गए? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तो उस बंद गोभी को निकाल दिया था। लेकिन तुमने कहा था कि वो बंद गोभी नहीं है। गुस्से में, क्या हम अब इस समस्या पे गौर करें? ये सही बोल रही है, ये बंद गोभी नहीं है, ये एक रैम्पियन है। मो और जो चौंक कर मुड़ते हैं और अपने सामने एक बूढ़ी अम्मा को देखते हैं। ये क्या है? ये एक अलग तरह का पौधा है जो डायन अपने बगीचे में उगाती है। ये रैम्पियन उसका पसंदीदा है। मैं तुम्हारी जगह होती तो इसे छुपा कर रखती। पहले लोगों ने इसे चुराया था और उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। डायन? लोगों को परेशानी हुई? क्या मतलब है इसका? 16 साल पहले एक जोड़ा डायन के घर के पास रहता था। सभी जानते थे कि वो एक सनकी डायन है, उसे गुस्सा नहीं दिलाना। लेकिन उस जोड़े को डर नहीं लगता था, वे दोनों अच्छे लोग थे और सभी में अच्छाई देखते थे, और इसीलिए वे शांति से रहते थे। एक वक्त आया जब उसको बच्चा होने वाला था। एक शाम पत्नी ने अपने पति से बोला, कितना खूबसूरत रैम्पियन डायन के बगीचे में उग रहा है, मैं उनमें से कुछ खाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए वहाँ से ले आओगे? ठीक है प्रिय, तुम्हें जो चाहिए वे मैं कल ला दूंगा। तुम बोलो तो कल मैं बाजार से ले आऊँ। नहीं, मैं वो खा चुकी हूँ, मुझे सिर्फ उस बगीचे वाले ही चाहिए। उस रात उसका पति चुपके से बगीचे में गया और रैम्पियन निकाल कर ले आया। जैसे ही उसने रैम्पियन का एक टुकड़ा खाया, तभी दरवाजे पर जोर की एक आहट सुनाई दी। वो डायन थी। चोर कहीं के, तुमने मेरे बगीचे से रैम्पियन चुराए जो मेरे पसंदीदा है। हमें माफ कर दो, ये हमने बच्चे के लिए किया। तुम्हारे बच्चे के लिए? तुम उस चोरी का भुगतान अपने बच्चे के जरिए करोगी। उससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, डायन वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद वे डायन कभी नहीं दिखी, जब तक कि उनका बच्चा नहीं हुआ और एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। मैं उस रैम्पियन का भुगतान लेने आई हूँ,
ये बच्ची मेरी है। उस जोड़े ने डायन से बहुत विनती की, लेकिन डायन ने उनकी ना सुनी। वह उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो गई। अरे तो बहुत बुरा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसने उस छोटी बच्ची का नाम रपुंजल रखा। वे अपनी बच्ची की तरह उसे प्यार करती थी, लेकिन उसे एक मीनार में कैद कर रखा था जिसमें कोई सीढ़ी या दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी। सिर्फ एक खिड़की? क्या हम भी वहां जाकर देख सकते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें उस ऊंची मीनार पर नहीं जाना चाहिए। अगर डायन ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हम इसका ध्यान रखेंगे, कृपया हमें वहां ले चलो। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, लेकिन दिखा सकती हूँ कि वो कहाँ है। आपको धन्यवाद। बूढ़ी अम्मा ने मो और जो को डायन का मीनार दिखाया और सावधान रहने के लिए बोला और अलविदा किया। मो और जो चुपके से मीनार के पास पहुंचे ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, वो डायन थी। रैपुंजल, रैपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। तभी सुनहरे बालों का एक घना गुच्छा नीचे आने लगा, वह रस्सी की तरह नजर आ रहा था। डायन ने उसको पकड़ा और खिड़की की तरफ जाने लगी। तुमने वो देखा मो? खिड़की पर खड़ी लड़की रपुंजल है, वो उसके बाल हैं जो रस्सी की तरह लंबे हैं। शांत रहो जो। डायन ने रपुंजल को देखा, वो बहुत उदास थी। क्या बात है रपुंजल, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? माँ, इस मीनार के बाहर की दुनिया कैसी है, मुझे भी जानना है। गुस्से में, इस मीनार के बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यही तुम्हारा घर है, समझी? फिर वो थोड़ी नरम हुई। मेरा यकीन करो बेटी, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं भेज सकती। बाहर की दुनिया बहुत मतलबी और खराब है, तुम बस यहीं सुरक्षित हो। उसको बहुत बुरा लगा। मुझे माफ करना माँ, मुझे आप पर भरोसा है। वो फिर से नरम हो गई। चलो अच्छा है बेटा, मेरे अब जाने का वक्त आ चुका है, अब मैं कल आऊंगी। जैसे ही डायन वहाँ से जाती है, चलो मो उस मीनार पर चलते हैं। उसने मो को आगे चलने के लिए खींचा, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मो ने उसे पीछे किया और चुप रहने का इशारा किया। उस जंगल में मो और जो के अलावा भी एक इंसान मौजूद था, वो राजकुमार था। उसने वह सब कुछ देखा था जो अभी हुआ था। अब वो मीनार पर चढ़ने की योजना बना रहा था। रपुंजल, रपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। रपुंजल के बाल नीचे आते हैं और राजकुमार उस पर चढ़ने लगता है। राजकुमार को वहां देखकर रपुंजल चौंक जाती है। कौन हो तुम? मैं राजकुमार हूँ, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? कौन थी वो डायन? क्या तुम यहाँ कैदी हो? मेरा नाम रपुंजल है और वो मेरी माँ है। मैं कैदी नहीं हूँ, ये मेरा घर है, मैं अब तक यहाँ पर ही रहती थी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलत समझा। क्या तुम शुरू से यहीं रही हो? क्या तुम इस खूबसूरत दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं रही हो? नहीं, मैंने कभी इस मीनार के बाहर कदम नहीं रखा। मेरी माँ बोलती है कि मेरे लिए बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है और बाहरी दुनिया बहुत मतलबी है। अरे नहीं, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम्हें बाहर आकर देखना चाहिए। सच में मुझे बाहर का कुछ नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे? बिल्कुल खूबसूरत मोहतरमा,
मैं उन्हें यहाँ तक सुन सकती हूँ जो। आखिरकार अब वो अकेली नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मगर अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, चलो थोड़े वक्त के लिए हम सो जाते हैं। मो और जो एक सुरक्षित जगह देखकर सो जाते हैं। सारी रात राजकुमार खूबसूरत दुनिया के बारे में बताता रहता है और रपुंजल अपनी डायन माँ के बारे में बताती है। जैसे जैसे वे एक दूसरे से बातें करते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमार ने उसे चूमा और अलविदा कह दिया। मैं फिर से रात में आऊंगा जब वो डायन जा चुकी होगी। रैपुंजल, रैपुंजल, अपने बालों को नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। अरे मेरी माँ आज बहुत जल्दी आ गई। जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाओ ताकि मेरी माँ तुम्हें देख ना पाए। रपुंजल, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? माफ कीजिए माँ, ये लीजिए और ऊपर आ जाइए। धोखे की सजा सिर्फ मौत है। माँ, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। चुप रहो, उसे तुम अब कभी नहीं देख पाओगी। बस करो डायन। राजकुमार ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन डायन ने उस पर जादुई मंत्र फूंका और खिड़की के बाहर जंगल में फेंक दिया। मो और जो ये सब देख रहे थे। अरे नहीं राजकुमार, चलो उसको ढूंढकर उसकी मदद करें। वो उसको ढूंढने निकले। माँ, ये आपने क्या किया? मेरी नजर के सामने से हट जाओ। राजकुमार अब तक मर चुका होगा, तुम्हें भी बाहर कर दूंगी। मैं तुम्हें जंगल में फेंक दूंगी। तुम मेरे प्यार और विश्वास के लायक नहीं हो। डायन ने उस पर जादुई मंत्र फूंका और उठाकर जंगल में फेंक दिया। बहुत दुखी होकर वो उठी। उसकी सारी दुनिया उथल पुथल हो चुकी थी। वो जंगल में भटकने लगी। उसे ये मालूम नहीं था कि उसका राजकुमार घायल है और जिंदा है। वो वापस मीनार की तरफ जाकर उसे छुड़ाना चाह रहा था। इसी बीच मो और जो भी राजकुमार की तलाश कर रहे थे। बहुत समय हो गया ढूंढते ढूंढते राजकुमार को। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार कहाँ होंगे? क्या तुमने सुना? छुपते हैं। ये तो राजकुमार है, ये रपुंजल है, दोनों जिंदा है। मेरे राजकुमार, तुम जिंदा हो। रपुंजल, मेरी प्रिय, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं भी सही हूँ, तुम भी ठीक हो। ये जगह सही नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं अब। हाँ प्रिय, चलो चले। वो क्या था? मुझे नहीं पता।
लेकिन बहुत अजीब था। क्या हम दूसरी जगह पर थे? अब अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए। हाँ सही कहा, चलो। मू और जो स्कूल से पैदल घर जा रहे थे। कभी तो हवा बहुत ठंडी और तेज चलने लगती और कभी गर्मी लगने लगती। आज मौसम बहुत ही अजीब है। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि जैकेट पहनूं या अपने सारे कपड़े उतार दूं। ये बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन मैं सहमत हूँ। कभी तो बहुत तेज हवा चल रही है और कभी तेज धूप निकल रही है। ये तो सूरज और हवा की कहानी की तरह हो रहा है। एक बार की बात है, सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा सकती हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा ताकतवर हूँ मेरी नई दोस्त। तुम बेवकूफ हो अगर ऐसा सोचते हो, और मैं इसे साबित कर दूंगी। देखूं तो सही कैसे करोगी। देखो वो आदमी आ रहा है। उसने अपने गले में मफलर लपेटा हुआ है। जो भी उस मफलर को हटा देगा वही सबसे ताकतवर होगा। ठीक है, पहले तुम साबित करो। हवा ने बहुत ही आराम से अपनी रफ्तार तेज की। आदमी को लगा उसका मफलर उड़ जाएगा। उसने अपने मफलर को कस के लपेट लिया। इससे हवा को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपने मफलर को और कस के बांध लिया। और उसने इस बार अपनी रफ्तार तेज कर दी। दोबारा उसने मफलर की गांठ को कस के बांधा। अब हवा को और गुस्सा आया और उसने बहुत तेज रफ्तार कर दी। आदमी ठंड से कांपने लगा। उसने मफलर की गांठ बांधी और थोड़ी दूर चलने की कोशिश की, लेकिन ठंडी हवा की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा उसने मफलर को कस के लपेटा और ठंड से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे लगता है मेरी बारी है अब। ठीक है। सूरज बहुत होशियार था। उसने धूप धीरे धीरे तेज की और आदमी उठकर खड़ा हो गया। सूरज ने अपनी होशियारी से गर्मी और बढ़ाई और आदमी बेहतर महसूस होते ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। सूरज ने धूप और तेज कर दी। धूप की वजह से आदमी को पसीना आने लगा और उसने जैकेट उतार कर फेंक दी। सूरज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आदमी ने गर्मी की वजह से अपना मफलर भी उतार कर फेंक दिया। उम्मीद है तुमने देख ही लिया होगा। हाँ मैंने देखा। ठीक है, तुम जीते। रहा है। आज हवा और सूरज के बीच होड़ लगी हुई है। हाँ, इसीलिए अच्छी बात ये है कि हम घर पहुंच गए हैं। चलो अंदर चलें। हाय, मैं मू हूँ।
हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।